नमस्कार बच्चों, आज पुनः हम लोग चैंपियन वुमेन लेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट चैंपियन वुमेन में दिया गया है सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर, ये टेनिस की प्लेयर हैं। प्लेयर, प्ले से प्लेयर, प्ले मेरा वर्ब होता है और वर्ब से में ई आर जोड़ करके नाउन इसको बनाया गया है। प्लेयर, खेलने वाली या खेलने वाला, टेनिस प्लेयर। सानिया मिर्जा इज इंडियाज बेस्ट नॉन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज अपीयर्ड इंटरनेशनल टेनिस सर्किट विथ फ्रीक्वेंटली इम्प्रेसिव रिजल्ट्स। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस है और इसमें फर्स्ट सेंटेंस में वर्ड्स का यूज़ किस तरह से किया गया है उसको भी देख लेते हैं। सानिया मिर्जा, इसका ये चूँकि नाउन हुआ और नाउन एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, सानिया मिर्जा सब्जेक्ट हो गई इस सेंटेंस के लिए। यहाँ पर इज़ इंडियाज, इज़ या तो हम इसको बोले मेन वर्ब है या फिर लिंकिंग वर्ब है। इंडियाज पॉसेसिव एडजेक्टिव इसको बोला जा रहा है, पॉसेसिव नाउन होता है ये। इंडियाज भारत की, बेस्ट सबसे अच्छी, नॉन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन भारत की सबसे जानी पहचानी महिला स्पोर्ट्स पर्सन है। हु मेरा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो, और इसका एंटीसीडेंट होता है स्पोर्ट्स पर्सन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन जो है अपने एंटीसीडेंट के बारे में भी कुछ बताता है, उस पीछे जो उसका रहता है एंटीसीडेंट उसके बारे में ही आगे की तरफ और डिस्क्रिप्शन देता है, वर्णन देता है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यूज़ किया गया है। हु हैज़ अपीयर्ड इन इंटरनेशनल टेनिस सर्किट्स, जो अपीयर्ड हुई है, हैज़ अपीयर्ड, हैज़ प्लस V3 का यूज़ किया गया है और हैज़ प्लस V3 हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हु हैज़ अपीयर्ड, प्रकट हुई है इन इंटरनेशनल टेनिस सर्किट्स। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय टेनिस, टेनिस एक खेल का नाम है, सर्किट्स मतलब क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल के क्षेत्र में वो प्रकट हुई हैं विथ फ्रीक्वेंट इम्प्रेसिव रिजल्ट्स। किस तरह से उसमें अपीयर हुई हैं, किस तरह से उसमें शामिल हुई हैं वो बता रहा है विथ प्रीपोजिशन के साथ। फ्रीक्वेंटली इम्प्रेसिव रिजल्ट्स, फ्रीक्वेंटली एडवर्ब हो रहा है, फ्रीक्वेंटली इम्प्रेसिव काफ़ी प्रभावपूर्ण रिजल्ट्स परिणाम देकर के वे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल के क्षेत्र में प्रकट हुई हैं। सी बिगेन यहाँ पर दे रहा है, सी बिगेन प्लेइंग टेनिस, उन्होंने प्रारंभ किया, किन्होंने किया, सानिया मिर्जा ने किया, ये सी दे रहा है। उसके बाद दिया हुआ है सी बिगेन प्लेइंग, खेलना, तो सी सब्जेक्ट हो गया, बिगन मेरा V2 का यूज़ किया गया है, पास्ट टेंस में है, तो सी बिगन शुरू किया, प्लेइंग खेलना, तो ये जिरांड है, भर प्लस ING को हम लोग जिरांड की तरह यूज़ करते हैं। प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलना प्रारंभ किया एट द एज ऑफ 6, 6 वर्ष की उम्र में। एट हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं किसी के टाइम पीरियड को दिखाने के लिए, एट द एज ऑफ 6। टर्निंग प्रोफेशनल इन 2003, और उन्होंने 6 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और टर्निंग प्रोफेशनल इन 2003 यानी कि 2003 में वो प्रोफेशनल हो गई, मतलब वो एज ए प्रोफेशनल हो जाते हैं, मतलब खेलकूद ही उनका सब चीज़ हो गया। हैविंग बीन ट्रेंड अपने फादर द्वारा ट्रेंड की गई थी। सानिया ओन, सानिया ने जीता, सानिया मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, ओन मेरा वर्ब हो रहा है। 10 सिंगल एंड 10 डबल टाइटल्स, क्या जीती, 10 सिंगल और 13 डबल टाइटल्स जीती, मतलब खेल के ट्रॉफियों को उन्होंने जीता, एंड मेरा कंजंक्शन है।
जो दो सिमिलर रैंक के चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, और एंड को हम लोग कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। 10 सिंगल्स एंड 3 डबल टाइटल्स जीती एज अ जूनियर प्लेयर। जूनियर प्लेयर के रूप में उन्होंने 10 सिंगल और 13 डबल टाइटल को जीता। ए मेयर 16 ईयर ओल्ड सानिया, ए मेयर केवल 16 वर्ष की सानिया बिकेम हुई। तो ए मेयर 16 ईयर ओल्ड सानिया मेरा सब्जेक्ट हो गया, बिकम मेरा वर्ब हो गया। द फर्स्ट इंडियन गर्ल, द फर्स्ट प्रथम एडजेक्टिव हो गया, इंडियन भी मेरा एडजेक्टिव हो गया, गर्ल मेरा नाउन हो गया। बिकेम द फर्स्ट इंडियन गर्ल, तो द फर्स्ट इंडियन गर्ल जो है मेरा ऑब्जेक्ट है इस बिकेम वर्ब का। टू विन जीतने वा, टू विन अ ग्रैंड स्लैम इन 2003, टू विन जीतने वाली ए ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम टाइटल का नाम होता है, टेनिस में खेला जाता है, इन 2003 विच सी एकॉम्प्लिस्ड इन डबल्स इवेंट एट विंबलडन। विच सी जिसको यानी कि ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है और लाया जा रहा है ग्रैंड स्लैम के लिए यूज़ किया गया है एज ए सब्जेक्ट काम कर, विच ग्रैंड स्लैम विन ए ग्रैंड स्लैम इन 2003 विच सी कंप्लीटेड एकॉम्प्लिस्ड इन द डबल इवेंट एट विंबलडन, जिसको उन्होंने एकॉम्प्लिस्ड पूरा किया इन डबल इवेंट्स। डबल इवेंट्स मतलब डबल प्रतियोगिता, टेनिस में सिंगल भी होता है, मतलब सिंगल सिंगल खिलाड़ी भी खेलते हैं और डबल भी खेलते हैं। ये एट विंबलडन, विंबलडन मेरा एक जगह का नाम है और प्रीपोजिशन एट लगाया गया है। सी इज द हाईएस्ट रैंक फीमेल प्लेयर एवर फ्रॉम इंडिया। सी इज वह है, सी मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज मेरा लिंकिंग वर्ब हो रहा है, द हाईएस्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रैंक्ड हाईएस्ट रैंक्ड फीमेल प्लेयर। रैंक्ड मेरा यहाँ क्या कर रहा है, रैंक्ड मेरा तो ईडी के साथ है, रैंक मेरा वर्ब है और ईडी जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को भी हम लोग एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं। हाईएस्ट रैंक्ड फीमेल प्लेयर और महिला प्लेयर में हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट ओहदा रखने वाली भारत की प्रथम खिलाड़ी थी। रीचिंग वर्ल्ड रीचिंग वर्ल्ड नंबर 27 इन रीचिंग वर्ल्ड नंबर 27 पहुंच गई, कहाँ वर्ल्ड की 27 रैंक में पहुंच गई इन सिंगल इन 2007 में वो पहुंच गई। इन 2015 शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल इंडियन टेनिस प्लेयर। इन 2015 वो क्या हो गई, सी बिकेम, 2015 में सी सब्जेक्ट हो गया, बिकेम मेरा वर्ब हो गया, V2 यूज किया गया, द फीमेल फर्स्ट फीमेल इंडियन टेनिस प्लेयर, पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी खेलने वाली महिला हो गए। हु जिन्होंने, हु मेरा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, हु गेंड जिन्होंने जीता, हु गेंड द नंबर वन पोजीशन इन डबल्स, हु गेंड जिन्होंने जीता द नंबर वन पोजीशन, दुनिया में नंबर वन पोजीशन इन डबल्स में, डबल्स में इन्होंने जीता। ए टोटल ऑफ 14 मेडल्स एडोर्न्स हर नेक, ए टोटल कुल मिलाकर के 14 मेडल पदक एडोर्न्स सुशोभित करते हैं हर नेक, उनके गर्दन को, कहने का मतलब है उन्होंने 14 मेडल्स अभी तक जीते हैं। विच इंक्लूड 6 गोल्ड, जिसमें से शामिल है 6 गोल्ड, जिसमें से हमारा शामिल है 6 गोल्ड, 6 गोल्ड एट 3 मेजर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। और 6 गोल्ड कहाँ है, 3
मेजर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट मतलब ऐसे खेलकूद जहां अनेक तरह के खेल होते हैं उसमें उन्होंने उसमें जीता है, नेमली द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है, सब तरह का होता है, इसमें टेनिस भी शामिल है इसलिए उसको दिया गया है। द कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम में भी सारे तरह के खेल होते हैं जिसमें टेनिस भी शामिल है। एंड द एफ्रो एशियन गेम्स, ये तीन तरह के मल्टी स्पोर्ट्स गेम हैं जिसमें उन्होंने 6 गोल्ड जीता है। बाय द एंड ऑफ 2016, 2016 के अंत तक सानिया हैड अ टोटल ऑफ 41। सानिया के पास था, क्या था टोटल, कुल मिलाकर के 41 WTA, WTA मतलब वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, एंड 4 ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टाइटल्स टू हर नेम, उसके नाम से 41 WTA एंड 4 ITF टाइटल्स मतलब मेडल्स जीत उनके नाम हो चुका था। हर सक्सेस स्टोरी इज वन विच इज ड्राइवन बाय कंसिस्टेंट पैशन। हर स्टोरी, हर सक्सेस स्टोरी, उसकी सफलती की कहानी वह है या एक है जो लाई गई है उसके कंसिस्टेंट पैशन, लगातार धैर्य, हार्ड वर्क और अनस्टिंड कमिटमेंट्स के साथ। अनस्टिंड मतलब अस्थिर, मतलब बनाए रखने, कमिटमेंट एंड डेडिकेशंस त्याग के साथ, समर्पण के साथ। ए स्पोर्ट्स प्रोडिजी, खेल कूद की प्रोडिजी, स्पोर्ट्स प्रोडिजी। स्पोर्ट्स प्रोडिजी क्या होता है, ए पर्सन हु हैज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ क्वालिटी, एक वैसा व्यक्ति जिसके पास स्पेशल काइंड ऑफ क्वालिटी होता है। तो ये भी एक प्रोडिगी थी, स्पेशल टाइप ऑफ क्वालिटी को रखने वाली, स्पोर्ट्स खेलकूद के, खेलकूद में एक विशेष क्वालिटी रखने वाली महिला थी। हु बिगेन प्लेइंग, जिन्होंने खेलना शुरू किया, प्लेइंग द स्पोर्ट एट द एज ऑफ 5, 5 साल की उम्र में ही खेलना शुरू किया। शी हैजंट इवन मिस्ड हर रूटीन ट्रेनिंग सेशन फॉर 23 ईयर्स। जिन्होंने हैजंट मिस्ड, नहीं भूल, मतलब मिस किया है मतलब खोना, खोया है या अब्सेंट नहीं हुई है हर रूटीन ट्रेनिंग सेशन, उनका जो रूटीन था दैनिक प्रशिक्षण का जो सेशन था उसको पिछले 23 ईयर्स से एक बार भी वो उसको मिस नहीं किए हैं, मतलब उसमें अनुपस्थित नहीं हुए, हमेशा उसको करते आ रहे हैं। ऑल्सो हर ओन डिटर्मिनेशन एंड गिल्ट इन द फेस ऑफ ऑल एडवर्सिटी हैज़ गेंड हर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ऑल्सो भी हर ओन डिटर्मिनेशन, ऑल्सो भी हर ओन डिटर्मिनेशन, उनका अपना डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति एंड गिल्ट इन द फेस ऑफ स्थिति में, इन द फेस ऑफ स्थिति में ऑफ ऑल एडवर्सिटी, विपरीत अवस्थाओं में भी, विपरीत अवस्थाओं में भी, विपरीत अवस्थाओं में भी, इन ऑल हर गेट इन द फेस ऑफ ऑल एडवर्सिटी एंड गेंड हर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, मतलब सभी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन, पहचान को गेन किया, मतलब प्राप्त किया। सी इज, वह हैं इवन वुमेन्स गुडविल एम्बेसडर, वह इवन यूनाइटेड नेशन का महिला गुडविल एम्बेसडर हैं फॉर साउथ एशिया, साउथ एशिया के लिए। हर नेम ऑल्सो फीचर्स इन वन ऑफ द 50 हीरोज ऑफ एशिया, और उनका नाम एशिया के 50 हीरोज, विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों में शामिल हैं। ए लिस्ट रिलीज्ड बाय द टाइम मैगजीन, और टाइम मैगजीन दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे फेमस मैगजीन है, और उसमें जो एक लिस्ट रिलीज किया, खिलाड़ियों का जो नाम रिलीज किया गया है उसमें वो शामिल हैं। सानिया वाज अवार्डेड द WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, सानिया को पुरस्कृत किया गया WTA के न्यू कमर, नए आगंतुक, WTA में आने वाली, ऑफ द ईयर से अवार्ड आ गया, अवार्ड दिया गया, अर्जुन अवार्ड दिया गया भारत का, एंड पद्मश्री फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया।
साइना नेहवाल, नेक्स्ट वन है हमारी साइना नेहवाल, बैडमिंटन प्लेयर जो बैडमिंटन खेलती हैं। साइना नेहवाल इज अ बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया हु इज एमंग द वर्ल्ड्स टॉप प्लेयर इन वुमेन्स बैडमिंटन। फर्स्ट सेंटेंस है, साइना नेहवाल मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, इज मेरा वर्ब का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, इज अ बैडमिंटन प्लेयर, वह बैडमिंटन खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं, फ्रॉम इंडिया भारत से, फ्रॉम मेरा प्रीपोजिशन है, दिखाया जा रहा है कहाँ से, तो इंडिया से, हु रिलेटिव प्रोनाउन हो जा रहा है, इज एमंग द वर्ल्ड्स टॉप प्लेयर, एमंग मेरा प्रीपोजिशन है, बहुतों के बीच कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है, इज एमंग द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स क्या होता है, पॉसेसिव नाउन होता है, टॉप प्लेयर्स दुनिया के टॉप शीर्ष प्लेयर्स में हैं, इन वुमेन्स बैडमिंटन, महिला के बैडमिंटन खिलाड़ियों में, दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में इनका भी नाम शामिल है। शी वॉज इंटरेस्टेड इन बैडमिंटन, वह थी इंटरेस्टेड, रुचि रखने वाले, वाच प्लस भीतरी दिया गया है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है, शी वॉज इंटरेस्टेड, उनको रुचि था इन बैडमिंटन, बैडमिंटन में, फ्रॉम एन अर्ली एज, बहुत बचपन से ही, अर्ली एज मतलब बचपन से ही उनको बैडमिंटन में रुचि था, इन 2006 2006 में सी केम इन टू लाइम लाइट, वह प्रकाश में आई, मतलब लाइम लाइट मतलब सभी को उसको जानने पहचानने लग गया, एज ए टीनेजर, टीनेजर मतलब होता है उभरते हुए खिलाड़ी, टीनेजर मतलब जिनका एज मोर और लेस 18 के आसपास होता है वैसा, When she won the under 19 national championship, जब उन्होंने under 19 मतलब 19 साल से कम के खिलाड़ियों में उनका नाम, वे भी लाइमलाइट में आने लग गए, सानिया द फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन, पूर्व में वो वर्ल्ड नंबर वन थी, हैज़ ओन ए नंबर ऑफ चैम्पियंस एंड मेंटेन्ड हर वर्ल्ड रैंक, अपना दुनिया का जो रैंक होता है 1, 2, 3, 4 या फर्स्ट खिलाड़ियों में रैंक होता है उसको बनाए रखी हैं, इन द टॉप टॉप में बनाई रखी हैं, टॉप 10 में बनाई रखी हैं, मतलब 1 to 10 में इनका भी नाम आता है, सिंस 2009 से 2009 से ही अपने आप को दुनिया के टॉप 10 प्लेयर्स में बनाए रखे हैं। सी हैज़ ओन ओवर 20 इंटरनेशनल टाइटल्स, उन्होंने has own present perfect tense है, over मतलब अधिक, 20 international titles, international titles अंतर्राष्ट्रीय पदक 20 से भी अधिक वो जीत चुके हैं, which include जिसमें शामिल है 10 super series titles, जिसमें शामिल है 10 super series titles भी शामिल है। she is the only female player, वह मात्र एक फीमेल प्लेयर हैं, फ्रॉम इंडिया भारत से, टू अचीव प्राप्त करने वाली दिस फिट, इस ऊंचाई को। सी हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, रिप्रेजेंटेड प्रतिनिधित्व करना इंडिया 3 times 3 times इन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में, टाइम्स मतलब यहाँ बार, विनिंग जीती हैं ब्रॉन्ज मेडल, विनिंग जीती हैं ब्रॉन्ज मेडल इन हर सेकेंड अपियरेंस, और दूसरी बार में ही उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक में। सानिया इज द ओनली इंडियन, सानिया एकमात्र भारतीय हैं टू हैव ओन, जीतने वाली एटलीस्ट कम से कम ए मेडल, एक मेडल को, इन एवरी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये खिलाड़ी बैडमिंटन खेलने वालों का एक संस्था है, उसमें ये एटलीस्ट कम से कम एक मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी हैं। मेजर इंडिविजुअल इवेंट्स, मेजर और इससे भी अधिक बड़े जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्पर्धाएँ होती हैं, नेमली द ओलंपिक्स, जैसे कि ओलंपिक्स, द BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड द BWF वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप, इसमें भी वो मेडल कम से कम एक मेडल जीती हुई हैं।
शी इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, वह हैं पहली भारतीय. सी मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज मेरा वर्ब हो रहा है, इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, वह पहली भारतीय बैडमिंटन महिला खिलाड़ी हैं टू हैव ओन ओलंपिक मेडल, जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता है जिन्होंने एक अपना ओलंपिक मेडल जीता है. टिल नाउ अभी तक सी हैज़ ओन ओवर 23 इंटरनेशनल टाइटल्स, उन्होंने अभी तक जीत चुका है. सी हैज़ ओन दिया गया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, ओवर 23 इंटरनेशनल टाइटल्स, अंतर्राष्ट्रीय पदक 23 से भी अधिक. यहाँ ओवर का मतलब अधिक किस सेंस आ रहा है, एज ए सीनियर प्रोफेशनल वरिष्ठ प्रोफेशनल इन सीनियर प्रोफेशनल एंड 3 इंटरनेशनल टाइटल एज ए जूनियर. सीनियर और जूनियर होता है तो सीनियर प्रोफेशनल पदक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय 23 जीता हुआ है और 3 में इंटरनेशनल टाइटल्स अंतर्राष्ट्रीय टाइटल जूनियर के रूप में जीत चुकी है, इंक्लूडिंग द कॉमनवेल्थ यूथ गेम, जिसमें शामिल है कॉमनवेल्थ यूथ गेम होता है, एंड वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप, और वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में सानिया इज प्राउड रिसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड. सानिया ने गर्व के साथ अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त किया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी प्राप्त किया है, एंड प्रेस्टिजियस पद्म भूषण अवार्ड, और प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित पद्म भूषण अवार्ड को भी इन्होंने प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित पद्म भूषण अवार्ड को भी इन्होंने जीता है.